हे एवरीवन, दिस इज कार्तिक असवाल। सो गाइस, आज के लिए मैं लेके आया हूँ जेईई मेंस का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले 10 साल से हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। गाइस, सबसे पहले जरूरी होता है आप लोग के लिए कि रिपीटेड क्वेश्चन को करना, क्योंकि हमेशा जरूरी होता है इसी पे क्वेश्चन क्या करते हैं, बन के आ जाते हैं। गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमेशा 10 सालों से रिपीट होते आए हैं। गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखते रहना उसमें कि जो क्वेश्चन ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस साल भी वही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और देखा, एक अगर क्वेश्चन सही करते हो तो 4 मार्क्स अपना लगा लेना, और गलत करते हो तो -1 कर देना। तो टोटल जो नंबर स्कोर कर रहे हो तुम 10 क्वेश्चन मिला के, वो कमेंट बॉक्स बताओ, मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या कितना आपका प्रिपरेशन है, इससे पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। ठीक है, जो ज़्यादा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हो, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। जो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मैं उनके लिए अलग क्वेश्चन लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स बताइए कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। चलो ठीक है, तो एक टेस्ट के तरह लेंगे इसको आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है लेट वाई इक्वल टू वाई एक्स, एक फंक्शन है एक्स का। क्वेश्चन पहले पढ़िए, ट्रिक होता है किसी क्वेश्चन सॉल्व करने का कि पहले क्वेश्चन को आधा पढ़ के फिर उसका उसका ऑप्शन देखते हैं, फिर क्या पूछ रहा है पहले। ठीक है, तो एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करते हैं। चलो वाई इक्वल टू वाई एक्स, एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के माइनस एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। के कॉन्स्टेंट है, वाई की वैल्यू दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1/2 पे, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है 1/2 पे। तब देखो क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो तभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। के कांस्टेंट है, उसका करोगे 0 हो जाएगा। तो ऐसे कर दिया, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन तुमको आता ही होगा, आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो जैसे पूरा तुम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, उसके बाद एक्स की वैल्यू रख दिए, वाई की वैल्यू रख दिए, और वहाँ से तुम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो आराम से। गाइज, तो ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है गाइज, ये क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन बन के आता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल करके ही जाना है जेई मेन्स एग्जाम में। ठीक है, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं डाला हुआ हूँ, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाके आप पिछले साल का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। पिछले साल का नहीं तो 2020 का जो जनवरी अटेम्प्ट था उसको, उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, क्योंकि जनवरी और जो आपका जो जुलाई में पेपर होने वाला है उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम ही होती है। तो देखो एक क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3+4+8+9+13+14+18+19+... देन m इज इक्वल टू, गाइस देखो एक 40 टर्म्स तक कर रहा है, तो 3+4+8 तुमको कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि 3+4 अगर मान लो तुम सबको ऐड कर दोगे तुमको 10-10 का क्या आपको AP मिलेगा। देखो तुम लोग इसमें ऐसे 3-4 देखोगे तुमको कोई सीरीज नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई को ऐड कर रहे हैं, 3-4 7 हो गया, 8-9 17 हो गया, दो दो टर्म को लेकर ऐड कर रहे हैं, उसके बाद तुमको AP मिल रहा है जो कि कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है। तो उसके बाद तुम AP का लगा के यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो। मान लो 40 टर्म था, अब दो दो को तुम ऐड करके लगा रहे हो तो 20 टर्म्स टोटल हो गए। मान लो SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n-1 d, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, 1 into 2m = 1 into 2m = 1 into 2 into 20 आ रहा है, टोटल सम 1 into 2m दिया हुआ है। तुम्हारा जो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है, जो इसमें दी हुई है वैल्यू, उन दोनों को इक्वल कर दें, आपका m की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन आसान था, कर सकते हो आसान से, किसी भी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए डरना नहीं है, बस उसको देखना है कि क्या कुछ तो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा होगा। ठीक है, कुछ तो जैसे मान लो कोई भी जानवर होता है कुछ तो रंग दिखाता है जिससे पहचान होती है, सीरीज में वही रंग होता है जिससे आप पहचान करोगे कौन सा AP लगेगा कौन सा GP लगेगा, जस्ट चिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन बन के आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था पिछले साल, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट a = aij b = bij, दो रियल मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 समझ रहे हो, 3 रोज 3 कॉलम, समझ ही रहोगे। bij भी दिया हुआ है, देखो जो जो दिया होता है ना, तुम आई और जे की वैल्यू रख के एक बार इसको क्रॉस चेक करके तुम ट्रिक से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, i j = 1, 2, 3 दिया हुआ है ना, इन दोनों में तीनों में रख के bij और aij में वैल्यू रख के देखो तुम्हारा ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो तुमको ऐसे सॉल्व करना है, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता है, b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33। ठीक है, अब यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि aji समझ रहे हो ना, ij जो वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 दी हुई है, तो यहाँ पे 3 की पावर इतना है, तो 3 की पावर ऐसे करके सॉल्व कर दिया उसको, डिटर्मिनेंट है। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी लगा दिया है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1/9 आ गए। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, कर सकते हो आराम से। ये क्वेश्चन आ गया है गाइज, इसमें आपको मैंने बताया था कि जब से टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, √S1 कभी भी निकालते समय याद रखिएगा कि जो उसमें जो एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट कर देते हैं, वहाँ से S1 की वैल्यू आती है। तो टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा यहाँ पे 4,
रूट एस वन, मतलब यहाँ पे देखो सर्किल पर क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, लेट द टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रान हो रहा है ठीक है टू द सर्किल, तो ओरिजिन से टेंजेंट ड्रान हो रहा है, जिस पॉइंट से ड्रान होता है एस वन का मतलब क्या होता है, एस वन मतलब होता है जो वैल्यू दी हुई है, ओरिजिन दी हुई है 0 0, उसको इसमें पुट कर देंगे और यहाँ पे 16 बच जाएगा, तो वो रूट एस वन हो गया 16, रूट 16 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लेंथ आ गया टेंजेंट का, टेंजेंट टच कर रहा है पॉइंट ए कमा बी पे और लेंथ आप ए कामा बी पूछ रहा है, द ए बी स्क्वायर पूछ रहा है इक्वल टू, लेंथ पहले ए बी का निकालेंगे, तो रेडियस पहले इस सर्किल कैसे निकाल सकते हो, देख सकते हो कैसे इसमें निकाला हूँ मैं, आराम से इक्वेशन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी 2RL अपन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है, प्रॉपर्टी होता है, तो ए बी का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ रही है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल के आ सकती है। देखो गाइज सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग समझ लो 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में, मान लो जैसे 25 क्वेश्चन हो गया तो तीन तो मिनिमम 3 आएंगे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर तैयार कर लेना उसमें ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स सर्कल वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लगन होता है, इसेंट्रिसिटी का ये सब उसमें दिक्कत हो जाती है। अब देखो वैसे वैल्यू ऑफ सी पूछा, लॉग्रेंजेज और रोल्स थ्योरम जरूर पढ़ लेना ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसमें वैल्यू ऑफ सी निकालना, एफएक्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक कह रहा है ठीक है, तो एफएक्स की वैल्यू यहाँ पे एफएक्स इक्वल टू दिया हुआ है, लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। सो गाइस जी जो इसमें था लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम निकालना था, तो लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू का थ्योरम का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है ठीक है, तो लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला आपका होता है कि इसमें लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का होता है फॉर्मूला कि एक्स एफ ए माइनस एफ जीरो अपॉन ए माइनस जीरो, तो एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0, 1, इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हो, तो एफ डैश सी दिया हुआ है मतलब एफ डैश एक्स, एक्स की जगह पर सी पुट कर दोगे यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगा, जो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया था, लॉग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। इस वीडियो से हमको पता चलता है कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं किस फॉर्मूले बन के आ रहे हैं उससे आप तैयार कर सकते हो गाइस, चलो तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी डी बी 4 नॉन एम्प्टी सेट है ठीक है, द कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी इज ठीक है, तो पूछ रहा है ए सी क्या होगा, तो वहां पे जैसे मान लो ए और बी, ए बी है, ए बी से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड है, देन ए और सी क्या कंट्रा पॉजिटिव, उसका क्या होगा कंट्रा पॉजिटिव पूछा हुआ है, तो कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है, दोनों को क्या करना पड़ता है वहाँ पे, दोनों नहीं होगा, तो यहाँ पे इफ ए ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट सबसेट ऑफ डी, थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा मैथमेटिकल रीजनिंग एक चैप्टर होता है उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा सही से ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मैच कर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 प्लस आई साइन थीटा अपन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, थीटा इज एलिमेंट ऑफ 0 to 2π इज अ रियल नंबर, देन एन आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, इसका आर्गुमेंट पूछा हुआ है, आर्गुमेंट वाला समझ रहे हो क्या होता है ठीक है, लेट जेड इक्वल टू क्या होता है 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा इंटू 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपन 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा, देखो क्रॉस उस ऊपर हो जाता है, रेशनलाइजेशन हो जाता है, जेड की वैल्यू आ गई, जेड रियल होगा, जेड अगर रियल होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल 0, समझ रहे हो, यहाँ पे तुम कॉस थीटा डिवाइड मार दो, 10 थीटा इक्वल माइनस 3/4, यहाँ से माइनस में आ रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 10 किस में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, तो आ गया तुम्हारा आर्गुमेंट निकालना है, तो पाई प्लस सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है पाई प्लस 10 इनवर्स 4/3, ये आपका आंसर बन के आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन बन के आता है, इसमें देख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये देखो क्वेश्चन मन क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मन क्या हुआ है, इन अ वर्कशॉप देर आर 5 मशीन्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम टू बी आउट ऑफ सर्विस ऑन अ डे इज 1/4 ठीक है, और 2 मशीन ऑन द सेम डे 3/4 का क्यूब केक, देन के इज इक्वल टू गाइज, इसमें देखो सक्सेस और लॉस का एक फॉर्मूला जो लगता है आपका, कि जैसे एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर जो होता है वो फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो 5C03/4 5, देखो जैसे मान लो कि जैसे एक दिन तुम जैसे क्या किसने पूछ रहा है सर्विस आउट ऑफ सर्विस सर्विस पे गए, मान लो एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, ऐसे लगाना है इसमें, मान लो जैसे 5 है ना इसमें, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस, 2 मशीन एटमोस्ट है, एटमोस्ट 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस है, इसका मतलब क्या कि 2 को हटा देंगे और बाकी सबको ले लेंगे 5, 4, 3, 2 मशीन है तो 2 भी हो सकता है एटमोस्ट, 2 मशीन में खराब हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसे ले लेंगे ठीक है, तो ऐसे आप तुम लोग क्या कर सकते हो इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन है कि सबसेट यहाँ पूछ रहा है, तो इसमें तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेट एक्स इक्वल टू एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बट लेस दैन इक्वल टू 50, ए इक्वल टू
एन इज द एलिमेंट ऑफ एक्स, एन इज अ मल्टीपल ऑफ टू, बी एन इज अ मल्टीपल ऑफ सेवन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉल सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी इज, ठीक है, इज कह दिया है यहाँ पे। तो 2 से 50 तक पूछ रहा है तो 25 एलिमेंट है, और फिर इसमें भी 7 एलिमेंट है, तो ए इज टू बी क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट से उसका क्या हो रहा है, जो कॉमन होगा उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल में से, तो 29 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन और वेरिएंस से क्वेश्चन क्या है, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है, सबका सम अपॉन टोटल नंबर, तो 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस मीन का स्क्वायर, यहाँ से तुम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 54 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बन के आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जेई में जनवरी अटमेंट में ही पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो क्या जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसका जितना क्वेश्चन सॉल्व करो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।